अस्सलाम वालेकुम। लास्ट वीडियो में हमने देखा था कि किस तरह से हम हेलो वर्ल्ड प्रिंट करवा सकते हैं यूजिंग जावास्क्रिप्ट। तो इस वीडियो में हम देखते हैं कि किस तरह से हम एक्सटर्नल जावास्क्रिप्ट ऐड कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल, अगर हमने अपना पेज जो है वो बेसिकली हम ये चाहते हैं कि हमने जो जावास्क्रिप्ट का कोड लिखा है वो हमें हर दफ़ा पेज के अंदर शामिल ना करना पड़े। लेट्स सपोज आपके पास मल्टीपल पेजेस हैं। अभी तो हमारे पास ये फर्स्ट अंडरस्कोर जेएस डॉट HTML है, मगर प्रोडक्शन के अंदर जब हम एक्चुअल वेबसाइट्स बनाते हैं तो हमारे पास मल्टीपल पेजेस होते हैं। तो हम वहाँ पर हम ये नहीं करते कि हम यहाँ पर हर पेज के अंदर जाके अपने कोड को डुप्लीकेट करें। फॉर एग्जांपल, लेट्स सपोज ये वाला कोड जो है वो आपको मल्टीपल पेजेस के अंदर रिक्वायर्ड है, तो रेदर देन कि हम इस कोड को यहाँ से कॉपी करके मल्टीपल पेजेस के अंदर ऐड कर दें, तो हम ये करते हैं कि हम एक सेपरेट फाइल बना लेते हैं और सेपरेट फाइल बना के हम उसको जिस पेज के अंदर भी हमें चाहिए होगा हम वहाँ पर ऐड कर लेंगे। अगर अभी तक आपने लर्न विद शाजील यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें और साथ लगे बेल आइकन पर भी क्लिक कर दें ताकि आपको हर नए आने वाली वीडियो के नोटिफिकेशन मिलते रहें। सो यहाँ पर मैं एक नई फाइल क्रिएट करता हूँ। नई फाइल क्रिएट करने के बाद यहाँ पर इसको मैं सेव करता हूँ। सो कंट्रोल एस करते हैं और सेम लोकेशन जो मैंने पहले यूज़ की थी वही वाली मैं यूज़ कर लूँगा, मगर इस दफ़ा मैं ये करूँगा कि ये जो फ़ाइल मैंने सेव करनी है ये जावास्क्रिप्ट फाइल मैंने यूज़ करनी है, ना कि मैंने कोई और फॉर्मेट। सो यहाँ पर आप जावास्क्रिप्ट फॉर्मेट चूज़ कर लेंगे। ये देखें यहाँ पर ये मैंने जावास्क्रिप्ट फॉर्मेट चूज़ कर लिया, तो इसको कोई भी नाम दे दें। सो मैं इसको नाम दे देता हूँ माई js फाइल डॉट js, वट एवर नाम नेम देना है वो आप दे सकते हैं। मैं इसको यहाँ पर सिंपल माई अंडरस्कोर js अंडरस्कोर फाइल डॉट js नाम दे रहा हूँ और इसको मैं सेव कर देता हूँ। सेव करने के बाद इसमें यहाँ पर ये हम आ गए हैं, और याद रखें कि जो आपकी जावास्क्रिप्ट की फ़ाइल होती है वो डॉट js उसकी एक्सटेंशन होती है, तो आप लोगों ने एक्सटेंशन नहीं भूलनी। आप इसको मैनुअली भी डॉट js एक्सटेंशन दे सकते थे, मगर आपने ये बात याद रखनी है। तो यहाँ पर हम अपना कोड लिख देते हैं, तो वही वाला अगेन डॉक्यूमेंट डॉट राइट ln, और यहाँ से हम ये लिखते हैं जी हेलो वर्ल्ड फ्रॉम एक्सटर्नल js। ठीक है, सो ये मैंने एक लाइन लिख दी है, और लाइन लिखने के बाद हम ये करते हैं कि अब हम इस js की फाइल को हम अपने इस HTML के कोड के अंदर शामिल करते हैं। सो इसको शामिल करने के लिए आपके पास अगेन स्क्रिप्ट का टैग ही यूज़ होगा, और स्क्रिप्ट के टैग को यूज़ करके हम सोर्स का एट्रीब्यूट दे के इसको शामिल कर सकते हैं। तो बड़ा आसान है, यहाँ पर मैं आपको अभी दिखाता हूँ कि किस तरह से इसको ये करना है। सो यहाँ पर आप ये करें कि सबसे पहले आप स्क्रिप्ट का टैग यूज़ करें जहाँ पर भी आपने इसको शामिल करना है। फॉर एग्जांपल, मैं स्क्रिप्ट इसको बॉडी टैग के एंड पे ही यूज़ करना चाह रहा हूँ। रिमेंबर कि यहाँ पर एंड पे करने का फ़ायदा ये होगा कि बेसिकली आपका जो स्क्रिप्ट है वो बाद में एग्जीक्यूट होगा और आपकी रेंडरिंग पहले हो जाएगी। उससे ये होता है कि आपका लोडिंग टाइम भी बेहतर हो जाता है कोड का, और दूसरे नंबर पे आपके पास जो रेंडरिंग अगर आपने करनी है पेज के ऊपर कोई कुछ कोड मैनिपुलेशन के थ्रू करना है तो आप वो भी कर सकते हैं। तो यहाँ पर मैं आ गया हूँ और यहाँ पर मैं स्क्रिप्ट का टैग यूज़ करता हूँ, अगेन उसी तरह से स्क्रिप्ट, और इस दफ़ा मैं ये करता हूँ कि सेकंड वाला ऑप्शन चूज़ कर लेता हूँ जिसमें कॉलन्स SRC आ रहा है। SRC स्टैंड फॉर सोर्स। तो यहाँ पर मैं इसको एंटर करता हूँ और यहाँ पर ये देखिए मेरे पास ये कह रहा है कि आप सोर्स बताएं, तो सोर्स में मैं फ़ाइल का नाम लिख देता हूँ। रिमेंबर, आपने फ़ाइल का नाम जो भी लिखा होगा वो आपने यहाँ पर लिख देना। सो मेरे पास जो फ़ाइल का नेम था वो था माई अंडरस्कोर js अंडरस्कोर फाइल डॉट js। तो एग्जैक्टली आपने ये वाला नेम यहाँ पर टाइप कर देना है। सो यहाँ पर ये देखें जी माई अंडरस्कोर js अंडरस्कोर फाइल डॉट js। ठीक है, सो ये मैंने फ़ाइल का नेम पा एग्जैक्टली टाइप कर दिया है, और विजुअल स्टूडियो कोड ने बेसिकली रिकग्नाइज भी कर लिया कि ये इस फाइल को जो है ना रेफ़र कर रहे हैं। तो यहाँ पर ये देखें इस तरह से इसने लिंक टाइप बना दिया है कि ये लिंक बेसिकली फ़ाइल को हो गया। सो ये कन्फर्मेशन भी है किस्म की विजुअल स्टूडियो की तरफ से। सो ये आपने क्या किया है, आपने आपने ये एक्सटर्नल जो जावास्क्रिप्ट का कोड है वो आपने अपने फाइल के अंदर या अपने HTML के कोड के अंदर शामिल कर दिया है। अब जैसे जैसे आप ये यहाँ पर कोड लिखते जाएंगे, जो भी जावास्क्रिप्ट कोड आपने लिखना है, और इसको जब आप सेव कर देंगे तो ऑटोमेटिकली ये आपकी जो JS की ये जो HTML की फ़ाइल है ऑटोमेटिकली इस कोड को अपडेट करके अपने पास शामिल कर लेगी। अब आपको एक जगह पर अपना कोड मैनेज करना है और आप इसको जितनी मर्जी फाइल के अंदर शामिल करना चाहें इसको कर सकते हैं। दैट्स हाउ वी डू एक्सटर्नल फाइल लिंकिंग। सो इसमें मैं आपको रन करके भी दिखा देता हूँ। यहाँ पर मैं अपना ब्राउज़र ओपन करता हूँ, और ब्राउज़र ओपन करने के बाद यहाँ पर आपको इसको रन करके भी देख लेते हैं कि ये प्रॉपरली रन भी हो रहा है कि नहीं।
अदरवाइज आप इसको अगेन फाइल को ओपन करके रिवील इन फाइंडर करके इसके ऊपर डबल क्लिक करके भी आप इसको कर सकते हैं। तो यहाँ पर देखें, यहाँ पर हेलो वर्ल्ड फ्रॉम एक्सटर्नल जेएस का जो मैसेज है वो आपके पास यहाँ पर शो हो रहा है, हेलो वर्ल्ड फ्रॉम एक्सटर्नल जेएस। इसका मतलब है हमारी लिंकिंग करेक्टली हो गई है। अगर ये मैसेज शो ना होता तो इसका मतलब ये होना था कि हमारी जो फाइल है वो प्रॉपरली, जो एक्सटर्नल जेएस की फाइल है वो लिंक नहीं हो सकी। सो दैट्स हाउ यू एड एक्सटर्नल जावास्क्रिप्ट इन योर फाइल्स। आई होप कि आप लोगों को ये ट्यूटोरियल अच्छा लगा होगा, और अगर आपको ये अच्छा लगा है तो अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा, ताकि आप लोग दूसरों की मदद भी कर सकें, और दूसरों को जब पता चलेगा तो जाहिर है वो भी इस इन ट्यूटोरियल से फ़ायदा उठा के जावास्क्रिप्ट को लर्न कर सकेंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, सी इन द नेक्स्ट वीडियो, अल्लाह हाफिज़।